Radhe. Hey, Radha, dhoond rahi, kisi ne mera shaam dekha. Radha, dhoond rahi, kisi ne mera shaam dekha. Naaste hue, everybody. Bounce. Shaam dekha re ghan shaam dekha. तेरा शाम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा ये माखन माखन चराते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा शाम हमने गोवर्धन में देखा राधा तेरा शाम हमने गोवर्धन में देखा ए गैया गैया चराते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा गैया चराते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा गैया चराते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा तेरा शाम हमने बरसाने में 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 देखा ए बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा रास रचाते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा रास रचाते हुए ला 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 ए रास रचाते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा रास रचाते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी
चले आएंगे बिहारी श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें धन्यवाद आनंद आया आपको बहुत अति आनंद उमंग अनुरागा केवट चरण पखावन लागा
तो वैसे लीगली चार सत्र समाप्त हो गए हैं, पांचवा सत्र शुरू हो रहा है। मुझे सात सत्र समाप्त करने थे, इसलिए आइए पुनः आप सबका इस पांचवें सत्र में स्वागत। माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है। और रसोई घर में जो दूध उबल रहा है वो उभर गया, यह सोचकर कि अब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे ही दूध उभर गया और चूल्हे में थोड़ा सा गिरा तो छम करके आवाज आई। माँ यशोदा को ज्ञात हुआ कि अरे मैंने तो दूध रखा हुआ है। माँ यशोदा ने सोचा कि मेरे स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, लेकिन उस दूध को जाकर बचा लूं। कृष्ण यहां पर बड़े आनंद से दूध पी रहे थे, कृष्ण के आनंद में विक्षेप हुआ, उसे जबरदस्ती छुड़ाकर माँ यशोदा उस रसोई घर के दूध को बचाने के लिए दौड़ गई। जैसे ही माँ यशोदा उस दूध को बचाने गई, यहां पर कृष्ण को क्रोध हुआ। इसलिए सुखदेव जी छठे श्लोक के प्रारंभ में, संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदश्य दधभी दधिमन्थ भाजनम भित्वा मृषार्षु दृषदश्मनारहो भित्वा मृषार्षु दृषदश्मनारहो जहास हैयं गवमंतरं गतः जहास हैयं गवमन तरम गतः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, संजात कोपः, जैसे ही माँ यशोदा कृष्ण को छोड़कर चली गई, कृष्ण को संजात कोप, जात माने जन्म लिया, पैदा हुआ, कोप माने क्रोध है। कृष्ण ने सोचा कि मैं कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं एक इशारा करूं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड गिर जाए, एक भ्रिकुटी भंग मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाए। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी जिस कृष्ण की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। मैं कृष्ण मेरा ऐश्वर्य छोड़कर, मेरा सब कुछ छोड़कर इस यशोदा के घर पर आया, और ये यशोदा $3 गैलन दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। आजकल मैं दूध लेने जाता हूं, मुझे पता है, ढाई कभी पौने तीन कभी $3 के बीच में मिलता है, तो बस मेरी वैल्यू $3 की, $3 गैलन दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। इतना बड़ा ईश्वर, इतना बड़ा स्वामी मुझे छोड़कर चली गई, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। उस छोटे से कृष्ण ने ऐसा सोचा, संजात कोप। मैं आप सबका ध्यान एक तात्विक दृष्टि में आकर्षित करना चाहता हूं। सब लोग श्लोक खोलिए, थोड़ा रिसर्च हो जाए। चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों श्लोक पर दृष्टि कीजिए। चौथे श्लोक में
तम स्तन्य कामः, क्या लिखा है बोलिए, तम स्तन्य कामः, ये काम शब्दों को याद रखिए, ठीक है। पांचवें श्लोक में दूसरी लाइन में लिखा है, अतृप्त मृत्सुज्य, क्या लिखा है, अतृप्त, आप केवल अतृप्त शब्द को याद रखिए। अतृप्त का अर्थ होता है लोभ, लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तो चौथे शब्द, चौथे श्लोक में क्या आया, तमस्तन्य काम, कृष्ण को दूध पीने की कामना हुई और दूध पीते पीते अतृप्त, दूध पीने का लोभ हुआ, काम भी हुआ कृष्ण को, लोभ भी हुआ, और अब छठे श्लोक में क्या आया, संजात कोप क्रोध भी हुआ। देखिए इस श्याम सुंदर की लीला, यही कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उस दिव्य रथ पर खड़े खड़े अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन, ये काम क्रोध और लोभ ये नरक के सीधे द्वार है, ऐसा कहा ना कृष्ण ने, ये काम क्रोध और लोभ नरक के सीधे द्वार है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम कोई अच्छी चीज नहीं है, लोभ और क्रोध कोई अच्छी चीज नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों को त्यागे भगवत गीता में। अब जो कृष्ण अर्जुन को काम क्रोध और लोभ त्यागने के लिए कह रहे हैं, वही कृष्ण के जीवन में देखा गया कि कृष्ण को काम भी हुआ, लोभ भी हुआ, और छठे श्लोक में क्रोध भी हुआ। समझ में आ रहा है। एक और कृष्ण इन तीनों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, और एक और कृष्ण के अंदर ही ये तीनों उत्पन्न हो रहे हैं। कारण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण में कभी काम हो नहीं सकता। अब सुनिए ध्यान से, यद्यपि यहां पर वर्णन हुआ कि स्तन्य काम, मुझे कामना हुई, लेकिन भगवान को कभी कामना हो नहीं सकती, क्योंकि कामना उसे होती है जिसके पास कुछ वस्तु की कमी होती है। अभी कुछ दिनों के बाद ये एप्पल वाले आईफोन 10 निकाल रहे हैं, तो मेरे जैसे 6 और 7 लेकर बैठे हैं, उसको कामना होगी। तन यहां पर लेकर, तम स्तन्य काम तम आईफोन काम, आईफोन 10 काम। ये आईफोन 10 लेने की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास नहीं है। जो चीज नहीं है उसको प्राप्त करने की कामना होती है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है आईफोन 6, उसको क्या कामना। अब मुझे बताइए, भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो नहीं है? सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से निकला है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृत कस्य स्विद्धनम्। सब कुछ ईश आवास्य, ईश्वर से प्रकट हुआ है। भगवान के लिए क्या क्या बाकी है, कौन सी वस्तु की कमी है? सब कुछ उनके पास है। कृष्ण को अकाम कहा जाता है, निष्काम, अकाम। कृष्ण अकाम होते हुए भी इस लीला में कृष्ण में कामना उत्पन्न होते हुए दिखाई दिया है। दूसरा, लोभ उसे होता है जिसको संतुष्टि नहीं है, है? मन में संतोष नहीं है। कृष्ण तो पूर्ण संतोषी व्यक्ति है, आत्मराम है, आप्त काम है, मुक्त काम है।
कृष्ण में तनिक भी लोभ नहीं हो सकता, जिसमें कभी लोभ नहीं हो सकता। इस लीला में, इस लीला की विशेषता देखिए आप, भगवान में कभी लोभ हो नहीं सकता, लेकिन इस लीला में कृष्ण में लोभ हुआ, काम हुआ, और भगवान को कभी क्रोध हो नहीं सकता, लेकिन इस लीला में कृष्ण को क्रोध हुआ। क्यों? एक और मात्र एक कारण, और वह कारण है अपने भक्त को आनंद देने के लिए, अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए, अपने भक्त को आनंद देने के लिए भगवान में काम न होते हुए भी काम उत्पन्न किया, लोभ न होते हुए भी लोभ उत्पन्न किया। कृष्ण को जब दूध पीने का काम हुआ तब माँ ने दूध पिलाया ना, और तब माँ यशोदा को आनंद मिला ना। यदि कृष्ण में काम न होता, दूध पीने की कामना न होती, तो माँ यशोदा को कैसे आनंद मिलता? यदि कृष्ण में क्रोध न होता और मटका न फोड़ते और उखल के साथ दामोदर लीला न होती, तो क्या हम सब लोग यहां पर बैठे होते हैं? ये सब कृष्ण काम लोभ क्रोध क्यों उत्कर रहे हैं? हम सब भक्तों के मन को आकृष्ट करने के लिए, हम सब भक्तों को उनकी ओर खींचने के लिए। ये भगवान की करुणा ही है और कुछ नहीं है, कि वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर हम सब साधारण मनुष्यों की तरह लीला करते हैं, ताकि हमारा मन उस भगवान में लग जाए, टिक जाए। तो संजात कोप, कृष्ण को क्रोध हुआ, और ऐसा वैसा क्रोध नहीं, थर्ड डिग्री का क्रोध हुआ। इसलिए कहते हैं स्फुरित अरुण अधरम। स्फुरित माने कांपना, अधर माने होठ, अधर और ओष्ठ, अरुण माने लाल लाल, कृष्ण के लाल लाल होठ थे, क्रोध के कारण होठ कांपने लगे, सुखदेव जी कहते हैं। तो संजात कोप स्फुरिता अरुणाधरम संदश्य दद्भि दधिमंथ भाजनम। क्रोध करने लगे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं जिससे मेरी मां को सबक मिले। अब ये इतना छोटा लड़का मां को सबक सिखाने जा रहा है, मैं क्या करूं जिससे इनको सबक मिले। उसी समय कृष्ण की एक दृष्टि, कृष्ण की दृष्टि एक पत्थर के ऊपर गई। सोचा कि सुबह से इस मटके में मेहनत कर रही है ना, इस मटके को ही फोड़ दूंगा, पता चले उसे भी। तुरंत कृष्ण ने वो पत्थर उठाया और दे मटके पर मारा। हाँ, बहुत बड़ा मटका था, मटका फूट गया। कहते हैं अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संदश्य दधि दधिमंथ भाजनम, वो दही मंथने का जो भाजन पात्र था उसे तोड़ दिया, टूट गया। टूट गया तो क्या हुआ, एक होल एक छिद्र बन गया, और उस छिद्र में से वो छाछ दही माखन सब बहने लगा, सब बिखरने लगा। जब ये बहने लगा और जब ये फैलने लगा, तब कृष्ण का क्रोध तो खत्म हो गया, लेकिन अब भय शुरू हुआ, अब डर शुरू हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो फैल रहा है, ये तो पूरे घर में जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृषा अश्रु दृशदश्म नारहो जहां सहयंग अनंतरम गतः। कृष्ण ने सोचा कि अब यहां पर एक सेकेंड भी एक पल भी खड़े रहने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मां बाहर आएगी और देखी कि मटका फूटा हुआ और सारा दही माखन और छाछ फैली हुई है, मां आज मुझे डांटेगी, आज मुझे मारेगी। कृष्ण वहां से भागे भीतवा मृषा अश्रु, और कैसे भागे, भीतवा डरते हुए मृषा अश्रु, मृषा माने झूठा ही, अश्रु माने आंसू, झूठे आंसू निकाल कर भागे। बच्चे बहुत एक्टिंग करते हैं, मेरे दो बच्चे ना, मैं जानता हूं, कभी कभी रियली रोते हैं, कभी कभी रोने का ड्रामा करते हैं। जैसे ही खिलौना दिया, जैसे टीवी की चैनल बदलती, वैसे बदल जाते हैं, रोने का कोई भाव नहीं होता।
कृष्ण भी मृषा अश्रु झूठा ही रो रहे थे, दृश्मनार हो और वहां से भागे, भागकर किसी एक कमरे में चले गए और उस कमरे में कई दिनों का बासी माखन पड़ा था, उस बासी माखन खुद खाने लगे और बंदरों को खिलाने लगे। अब क्या हुआ, सुखदेव जी आगे कहते हैं, उतार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुना प्रवेश संद्रेश्य च दद्ममात्रकम् भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतत् जहासतम चापि न तत्र पश्यति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उतार्य गोपी, उतार्य माने उतार कर, वो जो दूध उबल रहा था ना उस पात्र को उतार्य गोपी, गोपी यशोदा ने उतार दिया। तो उतार्य गोपी सुश्रुतम पयह पुनः, माँ यशोदा पयह पुनः अपने कृष्ण के पास पुनः वापस जब आई, प्रवेश संदृश्य च दद्म पत्रकम, जब उस कमरे में प्रवेश की जहां पर मटका फूटा हुआ था, भगनम विलोक्य, भगनम माने टूटा हुआ मटका, विलोक्य यशोदा ने देखा, स्वसुतस्य कर्म तत, और समझ गई कि स्वसुत मेरे पुत्र का ही ये काम है, और तो कोई यहां पर है नहीं। स्वसुतस्य कर्म तत, व कर्म व मटका मेरे पुत्र ने फोड़ा है, आज तक मैया यशोदा को गोपियों के बात पर विश्वास नहीं था, ये शिकायत लेकर आती थी ना कि तेरा लाला मेरे घर पर चोरी करता है, माखन मटकी फोड़ता है, बोले मेरा लाला ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब यशोदा ने अपने घर पर मटका फूटा हुआ देखा, कन्फर्म हो गया कि जो अपने घर पर मटका फोड़ सकता है वो दूसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल निश्चित ये शरारती है। जहां सतम चापि नच तत्र पश्यति, एक सेकंड के लिए यशोदा को जहां से माने हंसी आई, किस बात की, बोले बेटा लड़का समझदार है, इतना छोटा है फिर भी क्रोध करना जानता है, मूड नहीं है, समझता है। और दूसरी समझदारी क्या की थी कृष्ण ने, वो जो पत्थर मटके में मारा था ना, बिल्कुल नीचे मारा था ताकि एक भी बूंद बचे नहीं, बिल्कुल नीचे, ऊपर मारते तो थोड़ा बहुत बच भी जाता, नीचे मारा था एम लेकर। तो जहां से तम चापी नच तत्र पश्यति, और इसलिए यशोदा को थोड़ी सी हंसी आई कि है तो बुद्धिमान लेकिन है शरारती। न पश्यति, यशोदा ने जब कृष्ण को यहां वहां नहीं देखा, बोले आज मैं कृष्ण को दंड देकर रहूंगी, हाथ में छड़ी लेकर यशोदा कृष्ण को खोजने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी। जैसे ही यशोदा उस कमरे में प्रवेश की जहां पर कृष्ण थे, क्या देखा, सुखदेव जी कहते हैं, उखूल तांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम हय्यंगवम चोर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्वात सुत मागम चने। उखल अंग्रे उपरी व्यवस्थितम शिचि स्थितम, यशोदा ने देखा कि उखल के पैर के ऊपर खड़े होकर छींके में रखा हुआ माखन कृष्ण खुद खा रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। मरकाय काम, आपने देखा ना यहां पर लिखा है, क्या लिखा, मरकाय, मरका माने, मरकाय माने बंदर, मरकट,
कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे, पिछले दिन का पेंडिंग पॉइंट था, मैं भूल गया था उस समय, फिर से ये आ गया। कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया, क्यों? कारण यही था कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज से 10 लाख वर्ष पूर्व जब मैं राम अवतार लेकर आया, तब मैंने बंदरों से बहुत काम कराया, बहुत मेहनत करवाई। और हनुमान जी तो अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिए, सीता के पास जाना, उद्यम करना, समुद्र पर सेतु बांधना। सोचा कि राम अवतार में मैंने बंदरों से बहुत काम कराया, लेकिन क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम था इसलिए उनको वेतन ठीक से नहीं दे पाया, लेकिन उस समय में मर्यादा में था, इस समय थोड़ी ना कोई मर्यादा है, बिल्कुल अनलिमिटेड, अमर्यादित पूर्ण बनकर आया हूं, इसलिए खूब लुटा रहे थे कृष्ण, बंदरों को माखन खिला रहे थे। अब क्योंकि हम लोग हनुमान जी के मंदिर में हैं और भक्तों जिसका खाएंगे उनका गुण तो गाएंगे, और क्योंकि बात आई है मरकाय काम, मेरे कृष्ण ने मरकाय बंदरों को माखन खिलाया, महिमा है उनकी। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पर खड़े हैं, उनकी पूजा है, सेवा है। हनुमान जी के विषय में उनको प्रणाम करते हुए कहा गया, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी महाराज पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी नंदन और भगवान रामचंद्र के भाई अनेक उपाधियों को लेकर इस संसार में प्रकट हुए। सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की सेवा में किष्किंधा पर्वत पर रहने लगे। ये संक्षिप्त में कह रहा हूं, जब हनुमान चरित्र करता हूं तो विस्तार से इसे सुनाया जाता है। एक दिन राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे। सुग्रीव ने देखा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, कहीं ये बाली के कोई अनुचर, कोई दूत तो नहीं है। यह जानने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ, देख कर आओ कौन आया है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण के पास आए। और हनुमान जी ने परिचय मांगा कि आप कौन हो। तब भगवान रामचंद्र ने अपना परिचय दिया, सूर्य वंश में रघुकुल के प्रतापी राजा दशरथ और राजा दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। राम शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र के चरणों में गिर गए। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुजारण भारुतारण भगवंता। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, इस धरती का भार उतारने के लिए साक्षात भगवान आए हैं। राम के चरणों में गिरे, राम ने हनुमान जी को उठाया, बोले चरणों में नहीं, तुम्हारी जगह हनुमान मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है। उस दिन से हनुमान ने राम की सेवा शुरू की मरते दम तक। हनुमान जी की अनेकों सेवा, राम के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सुग्रीव से मित्रता करवाई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव भोगों में चूर हुआ तो हनुमान जी ने याद कराया कि हमें सीता को खोजना चाहिए। सुग्रीव ने अपनी सेना के 4 विभाजन किए और एक पक्ष दक्षिण भारत में गया जिसमें हनुमान जी थे,
संपाति जी ने पता बताया। और जब प्रश्न खड़ा हुआ कि समुद्र पार करके लंका में कौन जाए, सब लोग अपनी असमर्थता बताने लगे। जामवन जी ने कहा कि भाई मैं तो पराक्रमी था लेकिन अब तो बूढ़ा हो चुका हूं। अंगद जी ने कहा कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। सब लोग अपनी अपनी असमर्थता दिखा रहे थे। हनुमान जी समर्थ थे लेकिन ऋषि मुनियों का श्राप था कि जब तक उनको कोई शक्ति याद न कराए तब तक उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, पराक्रम प्रकट ना हो। जामवन जी हनुमान के पास गए और हनुमान जी को बिरदाने लगे, हनुमान जी की शक्ति याद कराने लगे कि हे अंजनी, हे मारुति, क्या सोच रहे हो आप? पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है, तुम ये काम कर सकते हो। पवन तनया बला पवन समाना बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। पवन के पुत्र, पवन के समान, पवन दुनिया को चीर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और याद करो, तुम्हारा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत याकारा। राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो गए, उनका शरीर आकाश को छूने लगा, सिंह की तरह गर्जना करने लगे और कहा, जामवन जी बताइए करना क्या है? जामवन जी ने कहा कि बस मात्र लंका जाना है और सीता को देखकर चुपचाप वापस लौटाना है। इतना ही कहा था, फिर भी हनुमान जी क्या क्या करके आए। रावण के बगीचे को उजाड़ दिए, उस लंकिनी राक्षसी को मार दिए, रावण के अनेकों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिए। इतना ही नहीं, रावण की पूरी लंका में आग लगाकर वापस आए। कहा कितना गया था कि केवल लंका जाकर सीता को देखकर वापस आना। यदि अंगद जी ने कहा, जामवन जी ने कहा होता कि हनुमान जी सिचुएशन देखकर निर्णय लीजिएगा, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप जा रहे हो तो सिचुएशन देख कर निर्णय लेना, जो आपके मन में आए करके आना। यदि ऐसा कहा होता ना तो लंका कांड बना नहीं होता, सुंदर कांड में ही रामायण समाप्त हो गई होती। हनुमान में इतनी ताकत थी। हनुमान जी उस समुन्दर के पास पर्वत पर चढ़ गए, मनी मन अपने इष्ट माता पिता गुरुदेव का स्मरण करके छलांग लगाए। लेकिन छलांग कैसी, जिमी अमोग रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हु हनुमाना। जैसे भगवान के सारंग से अमोग बाण निकले वैसे हनुमान जी की गति उड़ी, अनेकों विघ्न आए, समंदर को पार कर कर लंका में पहुंचे। लंकिनी ने मार्ग नहीं दिया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकिनी मर गई। लेकिन मरते मरते कहा कि मेरे पुण्य है कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुक्का मिलने के बाद तो सबको बुद्धि आती है, प्रकृति की चोट, काल की चोट लगने से पहले बुद्धि आ जाए। कैंसर होने के बाद, कुछ रोग होने के बाद या मृत्यु, मौत सामने दिखने के बाद तो सबको बुद्धि आती है कि यार गलत काम नहीं किया होता तो अच्छा था। लेकिन समय से पहले आदमी संभल जाए, समझ जाए, ये बुद्धिमानी है। हनुमान जी ने बहुत बहुत सेवा की, दास भक्ति के आचार्य है। हनुमान जी का यही परिचय है कि वे भगवान के दास। कुछ लोग हनुमान को समझ नहीं पाते, हनुमान जी को भगवान मानते हैं। भगवान तो राम है, वे तो सेवक।
हनुमान जी के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, एक पत्नी दे दीजिए। हनुमान जी सोचते हैं तू सीधा रॉन्ग नंबर लगा रहा है, एक तो मैं ब्रह्मचारी है, तेरी होती रहेगी तो मैं होने नहीं दूंगा, और ऊपर से तू मुझे, मैं राम का दास राम दूत, बार बार रामायण में हनुमान जी ने परिचय दिया, और कुछ लोग उसे भगवान कहते हैं तो सोचते हैं कि ये गदा एक सिर पर इसको लगा दूं, कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मैं राम दूत हूं, राम का दास हूं। हनुमान जी बड़े, भगवान ने जैसे पराक्रम नहीं किए वह हनुमान जी ने किए। सीता को देखकर वापस लौटे, फिर सेतु बांधा, सबको ले गए, फिर आप सब लोग जानते हैं मेघनाद का बाण लक्ष्मण को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित। सुषेण वेद को बुलाया गया, कहा कि भारत से रातों रात कोई संजीवनी लेकर आए तो ये जीवित हो सकते हैं, अब ये काम करे कौन। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं आखिर किस लिए है। हनुमान जी जा रहे थे, भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, कहा हनुमंत हनुमंत याद रहे, सुबह होने से पहले तुम्हें वापस लौटना है, यदि तुम वापस नहीं आए तो मैं सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, लखन को यदि कुछ हो गया तो मैं सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप इमोशनल मत होइए, चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा, और यदि नहीं आ पाया तो सूर्य को खाने की प्रैक्टिस है बचपन से ही है। सूर्य क्या चीज है, सूर्य को तो बचपन से ही खाने की प्रैक्टिस, आप सब लोग जानते हैं जब छोटे थे भूख लगी थी तो सूर्य को खाने निकल पड़े। चिंता मत कीजिए, हनुमान जी गए और संजीवनी लेकर आए। रावण का वध होने के बाद राम ने हनुमान को ही सौभाग्य दिया, जाओ अयोध्या में और बताओ कि हम आ रहे हैं। पहुंचे भगवान राम अयोध्या में, पहुंचे, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य स्थापित हुआ। राम जी ने सोचा कि बहुत लोगों ने हेल्प की है, उन सबको पारितोषिक इनाम मिलना चाहिए। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, सबको अनाउंसमेंट कर करके बुला रहे थे, इनाम दे रहे थे, हनुमान जी की बारी आई, हनुमान हाजिर हो, हनुमान जी छलांग लगाकर भगवान राम के पास। सीता जी ने देखा कि सबसे समर्पण तो सबका है, लेकिन सबसे अधिक समर्पण हनुमान का है। सीता के गले में नौ लखा हार था, अब ये नौ लखे हार की भी हिस्ट्री है, वो कुबेर के पास था, रावण ने कुबेर के ऊपर चढ़ाई करके अपनी तिजोरी में रख लिया, फिर राम ने रावण का वध किया तो वह विभीषण को दिया, विभीषण ने सोचा कि राम ने बहुत हेल्प की है, विभीषण ने राम को दिया, और राम ने सोचा मैं क्या करूंगा, उन्होंने सीता को पहना दिया। करोड़ों करोड़ों का हार, नौ लखा हार सीता के गले में। सीता ने देखा कि हनुमान का समर्पण है, सीता ने वह नव लखा हार अपने गले से उतार कर हनुमान के गले में डाल दिया। हनुमान जी अपने स्थान में जाकर बैठ गए, लेकिन उस नव लखे हार में से करोड़ों करोड़ों के हीरे निकाल निकाल कर अपने वज्र के समान दांत में रखकर तोड़ने लगे, फोड़ने लगे करोड़ों के हीरे। सभा में कई लोगों को हार्ट अटैक आने लगा, कुछ लोग कहने लगे नहीं चाहिए तो फेंक दो यार, हम लोग ले लेंगे, बड़े लोगों का कचरा भी काम में आ जाता है। हनुमान जी एक एक हीरे को फोड़ रहे थे, अंत में जामवन जी से नहीं रहा गया, बाजू में बैठे थे, पूछा महाराज क्यों तोड़ रहे हो, विभीषण को तो आईसीयू में दाखिल करना पड़ा, क्योंकि पहले से उनकी दृष्टि थी, वो तो बहुत हृदय पे भार रखकर दिया था, लेकिन अब इतना महंगा हार जब ये हनुमान जी फोड़ रहे तोड़ रहे थे। जामवन जी ने कहा कि ये क्यों तोड़ रहे हो, हनुमान जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि अंदर मेरे राम और सीता है कि नहीं, मैं मेरे राम और सीता को देखना चाहता हूं। बोले क्यों, हनुमान जी ने कहा कि जिस वस्तु में मेरे राम
और जगत जननी मेरी माँ सीता नहीं, वह वस्तु मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। जरू जाओ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु है। मैं इसलिए तोड़ रहा हूं, और हद तो तब हुई भक्तो, जामवन जी ने कहा कि अच्छा कि जिस वस्तु में सीता और राम नहीं उसे आप तोड़ दोगे, छोड़ दोगे? बोले हाँ, वो मेरे कुछ काम का नहीं। जामवन जी ने कहा तो क्या आपके शरीर में सीता और राम है? यदि आपके शरीर में सीता राम नहीं तो आप भी आत्महत्या करके मर जाओ। और उस समय लाखों लोगों के बीच में अपने वज्रों के समान नाखून को हनुमान जी ने अपने छाती में मारा और अपनी छाती को फाड़ के दिखा दिया कि मेरे छाती में सीता और राम बैठे हुए हैं। लाखों लोगों के बीच में साबित किया हनुमान जी ने कि मेरे हृदय में सीता और राम बैठे हैं। इस प्रकार से हनुमान जी की ये दिव्य लीला, दिव्य समर्पण। अंत में जब राम राज्य स्थापित हुआ, हनुमान जी 24 घंटा राम के साथ रहते थे, सेवक। अब क्या हुआ, अयोध्या वासी परेशान हो गए कि हमको तो कोई सेवा ही नहीं मिल रही है प्रभु की, सारी सेवा हनुमान ही किए जा रहा है। एक दिन हनुमान जी कुछ काम के लिए बाहर गए थे और जब वापस लौटे तो राम सेवा समिति बन गई। हनुमान को राम के कमरे में भी जाने नहीं दिया, रोक दिया। बोले क्यों? बोले यहां पर राम सेवा समिति नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ट्रस्ट स्थापित हो चुका है और सबकी सेवा भी आ चुकी है, इसलिए यदि आपको सेवा चाहिए तो अपना नाम दर्ज करा दो, जब कोई सेवा खाली होगी तो आपको बुला लेंगे। आप अमेरिका वाले तो इसे अच्छे से समझ सकते हो कि ऐसा होता है। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, कमिटी बन गई, ट्रस्ट बन गया, रजिस्टर भी हो गया और सेवा भी सौंप दी। बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा चलो लिस्ट मुझे दिखाओ, कौन सी सेवा सौंपी है। बोले देखने की जरूरत नहीं, जितनी भी सेवा थी सारी सेवा सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई सेवा बाकी नहीं। हनुमान जी ने कहा लिस्ट तो दिखाओ। हनुमान जी ने लिस्ट पढ़ा, कमिटी मेंबर को पसीना। हनुमान जी ने कहा सारी सेवा लिखी, एक सेवा बाकी है। कमिटी वाले आपस में झगड़ा करने लगे, मैं कह रहा था कुछ घट रहा है, मैं कह रहा था कोई सेवा बाकी है इसमें। हनुमान जी ने कहा एक सेवा बाकी और मेरे नाम से दर्ज करो। लेकिन कौन सी सेवा बाकी है, छोटी छोटी सेवा भी लिखी हुई थी। हनुमान जी ने कहा कि जब भगवान को जमहाई आए, जमहाई जब भगवान को, आप लोग गुजराती में बगासू के भाई, जब जमहाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा आपने नहीं लिखी है, मेरा नाम लिख दो उसमें। तो जमहाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा हनुमान के नाम पर। हनुमान जी ने कहा देखो जमहाई का कोई टाइम नहीं होता कि वो सुबह 5 बजे आती है कि 10 बजे आती है, वो 24 घंटे में कभी भी आ सकती है, इसलिए मुझे उनके पास ही रहना पड़ेगा। इतना कह के सबको हटाकर अंदर घुस गए। जिसे सेवा करनी ही है वो तो कैसे भी। हनुमान जी सेवा में चले गए, दिन भर सेवा किए। शाम का समय हुआ, देवी सीता आई, हनुमान को इशारा किया, लेकिन ये तो बाल ब्रह्मचारी, कुछ समझे नहीं। सीता जी ने कहा हनुमान आप जाओ, कल सुबह आइएगा, अब मेरी सेवा करने का समय हुआ है। सीता जी ने कहा क्यों, आप भी करो मैं भी करूं? अरे हनुमान समझने का प्रयास करो। बोले क्या प्रयास करो, मुझे क्यों हटा रहे हो, आप भी करो मैं भी करो, हम दोनों सेवा करेंगे। बोले लेकिन हनुमान ये जो शाम की सेवा है आप नहीं कर पाओगे, मैं कर पाऊंगी। बोले क्या अंतर है आप में और मेरे में? अब बंदर को क्या समझाए। सीता जी हनुमान जी को लेकर एक मिरर के पास गई, दोनों मिरर के पास गए। सीता जी ने अपने मांग में जो सिंदूर था वो दिखाया, देखो मेरे मांग में सिंदूर है, आपके मांग में है। बोले हनुमान जी निराश होकर घर पर वापस लौट गए। रात भर भगवान के विरह में हनुमान को नींद नहीं आई।
इतना सा सिंदूर दिखाकर सेवा छीन ली मेरी। वहां भगवान को भी अपने भक्त के विरह में नींद नहीं आई। अब हनुमान जी रात भर जगे रहे यह राह देख करके, कब बनिए की दुकान खुले, कब ग्रोसरी स्टोर खुलेगा। जैसे ही बनिए की दुकान खुली, हनुमान जी गए, वहां तो पैसे देने होते नहीं हनुमान को। आप वृंदावन में जाओ, जो बंदर होते हैं आपका चश्मा ले लेंगे और फिर आप ही की तरफ पहनकर आपके सामने ऊपर छत पर बैठेंगे। अब उनको कौन सा नंबर है, लेकिन ये है ही चंचल आदमी। हनुमान गए किराने की दुकान में और जितना भी सिंदूर था एक बाल्टी में डाला और उसमें डाला पानी और घोला और सिंदूर के पानी से स्नान करके भगवान के द्वार के पास आकर बैठ गए। सीता जी ने सुबह सुबह दरवाजा खोला तो हनुमान जी सिंदूर में स्नान करके बैठे थे। सीता जी ने सबसे पहले कैलेंडर देखा कि न होली है, न दिवाली है, न जन्माष्टमी, कोई उत्सव कोई त्योहार नहीं। और ये इस स्थिति में सीता जी ने कहा कि हनुमंत ये कौन सा रूप, ये क्या करके तुम आए हो। उस समय हनुमान जी ने इतना ही कहा कि इतना सा सिंदूर दिखाकर रात भर सेवा की है आपने, मैं सिंदूर में स्नान करके आया, जीवन भर सेवा करूंगा। ये हमारे हनुमान जी देखिए, देखिए सिंदूर में खड़े हैं, ये सिंदूर क्यों लगा हुआ है, जीवन भर सेवा करने का कमिटमेंट दे दिया हनुमान जी महाराज ने। ये है हनुमान। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, आपने वश राखे ही रामो। भगवान राम का भजन करके जिन्होंने अपने वश में कर लिया, ये है हनुमान। और ऐसे हनुमान जी ने बहुत भगवान को हेल्प की, इसलिए मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, इसलिए भगवान कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे हैं। खिलाने दीजिए, कल सुबह 10 बजे हम यहाँ पर पुनः आएंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। दो सत्र में कथा होगी, दोपहर को 2 बजे तक इस कथा को हम यहाँ पर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, धन्यवाद। और कल आपके लिए माला बीड़ बैग हम लेकर आएंगे, कथा के बाद आप सबको ये दी जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी अनाउंसमेंट होगी, भागवत जी की आरती होगी, दामोदर अष्टकम दीपदान होगा और फिर सबके लिए महाप्रसाद। बहुत सुंदर प्रसाद यहाँ पर भक्तों के द्वारा बनाया जा रहा है, आप सब प्रसाद पाकर ही जाइएगा। थैंक यू। वो वाला माइक लीजिए, वो वाला, हरी बोल, वो वाला, वो वाला। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग फॉर सेशंस 4 and 5 टुडे ऑफ द श्रीमद् भागवत कथा। We are grateful that Lal Govindji has, Prabhu has given a lot of time today, and we are grateful that all of you have come. Whatever the time you have spent with us is most precious, and we are grateful that you have given this time for Katha. So today's sponsors are the following wonderful devotees. Sumitra Ben Patel and family, Biki Ben and Irvin Bhai Patel and family, Saroj Ben and Bika Bhai Patel and family, Suman Ben and family, Moshimi and Litin Saha, and one anonymous donor. So please give them your round of applause and blessings. As we are mentioning every evening, this katha, we started this idea for the katha and we had no budget, we had nothing. So we are grateful that all of you have come forward in your wonderful capacities to facilitate this katha's activities for the last few days. Tomorrow is still another day. If anyone is inspired to give some donation or dakshina for the katha, please, you can see me afterwards.
Also, because Srimad Bhagavat Ji will be with us for one more day, we invite any devotees who would like to give a special donation to Srimad Bhagavat. You're welcome to do that tomorrow. We will provide you with an envelope and you can put in whatever dakshina you like and we can load it with Srimad Bhagavat Katha. So following this will be Srimad Bhagavat Ji Arati. Following that will be Damodar Arati. Following that will be Mahaprasad. So we request everyone, please stay for the Mahaprasad. There is sufficient quantity of prasad, sufficient variety. So please, we ask everyone, please stay for the prasad this evening. A couple of the safety announcements. During the arati, everyone safely take turns offering the arati. No dhakka mukki, no pushing. Everyone will get a chance as far as possible to offer arati to Srimad Bhagavat Ji. Likewise, we will offer a deep dan to Sri Radha Krishna back there. And everyone, please don't push and shove. Everyone, plenty of space in this hall for offering the deep dan to Radha Damodar and Radha Krishna. So please, everyone, be safe while offering the seva tonight. Hare Krishna. Srimad Bhagavata Mahapurana ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Sri Sri Radha Damodar Bhagavan ki Nitai Gaur Premanande. Arati ati pavan puran ki Arati ati pavan puran ki Dharma bhakti vigyan kan ki Dharma bhakti vigyan kan ki Mahapuran bhagavat niramal Puran Bhagavat Nirmal Shuka Mukha Vigalit Nigam Kalpa Phal Shuka Mukha Vigalit Nigam Kalpa Phal Paramananda Sudharas Mayakal Paramananda Sudharas Mayakal Leela Arati Ras Ras Nidan Ki Leela Arati Ras Ras Nidan Ki Arati Ati Pavan Puran Ki Arati Ati Pavan Puran Ki Kalimal Matani Tritapani Varini Kalimal Matani Tritapani Varini Janma Mrutyumaya Bhava Bhaya Harini Janma Mrutyumaya Bhava Bhaya Harini Sevata Satata Sakal Sukhakarini Sevata Satata Sakal Sukhakarini Sumaho Shadi Hari Charit Gaan Ki Sumaho Shadi Hari Charit Gaan Ki Arati Ati Pavan Puran Ki Arati Ati Pavan Puran Ki Vishaya Vilas Vimoha Vinashini Vishaya Vilas Vimoha Vinashini Vimala Viraga Vimeka Vikashini Vimala Viraga Vimeka Vikashini Bhagavata Tattva Rahasya Prakashini Bhagavat Tattva Rahasya Prakashini Param Jyoti Paramatma Jnana Ki
परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।